नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं भारत की नदियों के बारे में। इसके पहले दो वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, उसमें बताया गया है भारत एक सामान्य परिचय के रूप में और भारत के जो है भौतिक स्वरूप के बारे में। तो इस वीडियो में देखते हैं भारत की कौन कौन सी नदियां हैं, उनके उद्गम स्रोत क्या हैं, उनके संगम या मुहाना क्या है, उनकी लंबाई क्या है, उनकी कुछ विशेषताएं क्या हैं और उनसे जुड़े हुए रोचक तथ्यों के बारे में, क्योंकि भारत की नदियों के जो भाग है वो उससे बहुत से प्रश्न आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो या फिर कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। प्रथम नदी आपको शुरुआत करते हैं सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी जो है इसका जो उद्गम है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सानो थाबाब हिमनद से शुरुआत होती है और ये गिरती कहाँ पे है, अरब सागर में। इसकी जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। अब आपको बताते चले कि प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु नदी की जो है भारत में लंबाई कितनी है, तो भारत में सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर। अब इसकी इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं कि भाई, तो आपको बताते चले कि इनकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम, ये जो है पांच नदियां हैं जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अब आपको बताते चले कि झेलम नदी के बारे में, तो झेलम नदी का जो उद्गम है कहाँ शुरू होती है, वो है कश्मीर में बेरीनाग जो है के पास से शुरू होती है। वहां पे एक है शेषनाग झील, वहां से झेलम नदी निकलती है और ये जाके मिलती किससे है, चिनाब से। मतलब झेलम जो है वो चिनाब की सहायक नदी है। झेलम की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 724 किलोमीटर। भारत में जो झेलम की लंबाई है वो 400 किलोमीटर है। अब आपको बताते चले कि श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं इस नदी पे। ठीक है, अब जो अगली जो नदी है वो है रावी नदी। तो रावी नदी जो निकलती है वो निकलती है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास कांगड़ा जिले से। ठीक है, और ये भी सहायक किसकी नदी है, चिनाब नदी की। इसकी जो कुल लंबाई है वो 725 किलोमीटर है। यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। अब बात करते हैं चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी जो है चंद्र एवं भागा दो नदियों के संगम से बनती है जो लाहौल के बाड़ालाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। ठीक है, तो आपको बताते चले कि इसका जो इसके किसकी सहायक नदी है, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ वो है सिंधु नदी की सहायक। मतलब इसका जो संगम है या मुहाना है वो कौन सा है, वो है सिंधु नदी और इसकी जो लंबाई है वो है 1180 किलोमीटर जो है वो क्या है, भारत में। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है, तो ये इसकी एक विशेषता है। इसी तरह से अब बात करते हैं ब्यास की नदी के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के किनारे जो है एक ब्यास कुंड है, वहां से यह नदी निकलती है और जो है कितनी ऊंचाई से निकलती है, समुद्र तल से 4330 मीटर की ऊंचाई से यह नदी जो है ब्यास कुंड से निकलती है और जो है ये कहाँ जाके मिल जाती है, ये यहाँ पे एक हरिके जो है बैराज है वहां पे सतलज नदी से मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 470 किलोमीटर है। अब बताते चले आपको कि कुल्लू घाटी में बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में यह नदी पहुंचती है। अब बात करते हैं सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से राक्कस ताल से निकलती है जो कि समुद्र तल से 4555 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह जो है चली जाती है कहाँ पे, जो है वो है ब्यास नदी में जो है मिल जाती है हर के तन के पास। इसकी जो कुल लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है और भारत में जो इसकी लंबाई है 1050 मीटर है, 50 किलोमीटर। तो आपको बताते चले कि जो सतलज नदी की कुल लंबाई है वो कितनी है, 1500 किलोमीटर और भारत में इसकी जो लंबाई है वो क्या है, 1050 किलोमीटर। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में यह प्रवेश करती है सतलज नदी। अब बात करते हैं भारत की जो लाइफ लाइन है, मतलब कि जो भारत की जीवन रेखा है वो है गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है क्या है, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और जो कि समुद्र तल से
3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है और गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के सम्मिलन से बनती है। गंगा क्या है? भागीरथी और अलकनंदा नदियों के सम्मिलन से बनती है। अगली जो नदी है वो है यमुना नदी। यह जो है नदी है बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वह है 1375 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों में जो प्रमुख नदियां हैं वह है चंबल, बेतवा तथा केन। ये तीनों नदियां ही दक्षिण से आकर के यमुना में मिलती हैं। जो अगली नदी है वह है चंबल नदी। तो मध्य प्रदेश में मऊ के समीप जो है जाना पाव जो पहाड़ी है वहां की सिगार चौरी चोटी से जो है ये निकलती है और इटावा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है से 38 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी पे मिल जाती है। जो चंबल नदी है उसकी जो लंबाई है वो 995 किलोमीटर है। देश की जो सबसे गहरे खड्डे हैं, खड्डों का निर्माण करती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? काली सिंध नदी, पार्वती नदी, शिप्ता नदी, बनास नदी, कुरल नदी, बामनी नदी व मेज नदी। ठीक है, अब जो अगली जो नदी है वो है रामगंगा नदी। तो रामगंगा जो है नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग से निकलती है और कन्नौज के निकट जो है गंगा नदी में मिल जाती है। ये जो है इसकी जो लंबाई है वो 696 किलोमीटर है और खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब इसके बाद बात करते हैं शारदा नदी के बारे में। तो कुमाऊ हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है और आपको बताते चलें कि शारदा नदी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है और जो है यह बहराम घाट के समीप जो है घाघरा नदी में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 602 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में सरमा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा के नाम से, सरयू को क्या कहता है, पूर्वी रामगंगा के नाम से भी जाना जाता है और चौकिया, ये प्रमुख इनकी सहायक नदियां हैं शारदा नदी की। अब जो अगली नदी है वो है घाघरा या करनाली या कौरियाला, तो ये तीन नाम उसके कहे जाते हैं। तो ये जो निकलती है वो नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मापसा तुंग हिमानी से निकलती है और जाके सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो जो घाघरा नदी है इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1080 किलोमीटर। शिवालिक को पार करते समय शीशपानी नामक 180 मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगली नदी है। अगली नदी है गंडक नदी। तो नेपाल में जो है शालिग्राम एवं मैदानी भाग में इसे नारायणी कहा जाता है। ठीक है, तो जो गंडक नदी है ये नेपाल से निकलती है और पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। भारत में जो इसकी कुल लंबाई है वो 425 किलोमीटर है। सहायक नदियां जो हैं इसकी वो है काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि शालिग्राम नामक जो पत्थर हैं इनकी पूजा की जाती है वो किस नदी में प्रमुखता मिलते हैं, तो उत्तर है गंडक नदी। ठीक है, तो आपको बताते चले कि जो है अगली जो नदी है वो है कोशी नदी। तो कोशी नदी जो है गोसाई थान चोटी के उत्तर में से निकलती है और कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो है 730 किलोमीटर। इसकी मुख्य धारा में जो है अरुण नदी जो कि तिब्बत में पंगचू के नाम से जानी जाती है। इसकी जो सहायक नदी है वो है यारू, सुनकोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लीखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी आदि। अब जो अगली नदी है वो है बेतवा या वेत्रवती। तो ये जो है निकलती है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से और जाके मिलती है हमीरपुर में यमुना नदी की, यमुना नदी से। इसकी जो लंबाई है बेतवा की वो है 480 किलोमीटर। ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती है। अब जो अगली नदी है वो है सोन नदी
जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है, और सोन नदी की जो लंबाई है वो चाहे 480 किलोमीटर। नर्मदा के समीप जो है इसका उद्गम है। ठीक है, तो आपको बताते चले जो अगली नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो तिब्बत में जो है इसे क्या कहा जाता है, सांगपो, एवं असम में इस नदी को क्या कहा जाता है, दिहांग। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या कहते हैं अथवा जो है तिब्बत में क्या कहते हैं। तो तिब्बत में मानसरोवर की झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमा युंगडुंग हिमानी से यह नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, और भारत में जो इसकी लंबाई है केवल 916 किलोमीटर है। इसकी जो है आपको बताते चले कि जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं दिबांग, लोहित, कामेंग, सुमनसिरी, मानस, पुथीमारी, धनसिटी, पगलगड़िया, तीस्ता। ठीक है, बांग्लादेश में। तो आपको बताते चलें जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, और जो कि समुद्र तल से 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो आपको बताते चलें कि जो नर्मदा नदी है वो विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य से होकर गुजरती है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नर्मदा नदी जो है कौन सी नदी है जो विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, या पूछा जाता है कि विंध्य एवं सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से कौन सी नदी बहती है। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं। अब आपको बताते चलें कि ये जाके गिरती कहाँ पे है, वो है खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में। ठीक है, यहाँ खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा, जिसे धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं, का निर्माण करती है। डेल्टा के बजाय यह एस्चुरी बनाती है। यह विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे नर्मदा नदी के बारे में। अब जो है बात की जा रही ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी जो है बैतूल जिले में मुलताई, जो कि मूल ताप्ती नामक स्थान से 722 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, और सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है ताप्ती नदी की वो है 724 किलोमीटर। डेल्टा के बजाय यह भी जो है नर्मदा नदी की तरह एस्चुरी बनाती है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब देख लेते हैं महानदी के बारे में। तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंघावा पहाड़ी के समीप से निकलती है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंघावा पहाड़ी से निकलती है, और कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 815 किलोमीटर है, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है ब्राह्मणी तथा वैतरणी। ठीक है, अब जो अगली नदी है वो है क्षिप्रा नदी। तो इंदौर जिले में काकरी बर्डी नामक पहाड़ी से निकलती है, और क्षिप्रा जो सहायक है वो है चंबल नदी की, चंबल नदी में मिल जाती है। क्षिप्रा की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। इसके किनारे उज्जैन का विश्वविख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। अब बात करते हैं अगली जो नदी है वो है माही नदी। तो माही नदी धार जिला के अमझोरा में मेहद झील से निकलती है। तो आपको बताते चले कि जो मेहद झील है, मेहद झील से निकलती है कौन सी, आपको माही नदी। ठीक है, अब माही जो है जाके कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में। इसकी जो लंबाई है जो है वो है 585 किलोमीटर। इस पर बजाज सागर बांध बनाया गया है। ये जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो वो है माही नदी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगली जो नदी है वो कौन सी नदी है, वो है लूनी नदी। तो अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ या पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। तो आपको बताते चले जो लूनी नदी है बनी हुई किससे, दो धाराओं से, सरस्वती और सागरमती से, और जाके ये गिरती कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी में या रन ऑफ कच्छ में जाके इसकी गिर जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 320 किलोमीटर। यह भारत की एकमात्र अंतरवाही नदी है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है जोवाई, सुकरी,
एवं जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं जो अगली नदी है वो है सोम नदी। सोम नदी उदय जिले में पीछा मेड़ा नामक स्थान से निकलती है और वेणेश्वर के समीप माही नदी में मिल जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है जोखम, गोमती, सरनी एवं इसकी प्रमुख सहायक नदियां। अब बात करते हैं अगली जो नदी है वो है साबरमती नदी। तो साबरमती नदी जो है जैसमुंद झील से निकलती है जो कि अरावली पर्वत पर स्थित है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, जिसकी लंबाई जो है वो 371 किलोमीटर है। अब आपको पता होगा कि भाई जो अहमदाबाद शहर है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अब जो है अगली जो नदी है वो है बनास नदी। बनास का मतलब क्या होता है? वन की आशा, ठीक है। तो बनास नदी निकलती है खामनोर की पहाड़ियों से जो कि जाके चंबल में जाके मिल जाती है रामेश्वरम के पास, और इसकी जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसकी सहायक नदियों में बेड़च, कोठारी, मानसी खारी एवं मोरेल है। अब अगली जो नदी है वो है बाण गंगा। तो बाण गंगा बैरठ की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और यमुना में फतेहाबाद आगरा के समीप मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो है 378 किलोमीटर। इस पर जमवारागढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अगली नदी है कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1401 किलोमीटर। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा इत्यादि, ठीक है। तो ये प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि कृष्णा की हैं। अब बात करते हैं अगली नदी है गोदावरी। तो नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी के पास से निकलती है, त्र्यंबक गांव भी है वहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैन गंगा, प्रवदा तथा वर्धा, ठीक है। अब देख लेते हैं और जो नदियां हैं। तो कावेरी नदी, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से समुद्र से 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 800 किलोमीटर। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है एवं श्री रंगपट्टम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं बाईं ओर से हेमवती, सिमसा, अर्कावती तथा दाईं ओर से कामबनी, भवानी, नोयल एवं अमरावती है। अब अगली जो नदी है वो है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा जो नदी है ये कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा एवं समीप में ही कडूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है और तुंगा और भद्रा से मिलके तुंगभद्रा नदी बनती है। और जहां पे बनती है उस स्थान का नाम है, क्या नाम है, कडूर से निकलती है और उसके बाद जो है तुंगभद्रा कही जाती है। अब तुंगभद्रा जो सहायक नदी है कृष्ण की सहायक है वो है कृष्णा नदी की, और इसकी जो लंबाई है वो है 331 किलोमीटर। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद। अब अगली जो नदी है वो है पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी जो है नंदी दुर्ग श्रेणी से चिन्ना केसावा पहाड़ी से निकलती है कर्नाटक में और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो लंबाई है वो है 265 किलोमीटर। इस पर बिहार जलप्रपात स्थित है। तो पेन्नार नदी पर आपको बताते चले कि जो पेन्नार नदी है, पेन्नार नदी जो की जो लंबाई है वो है 597 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है पापहनी एवं चित्रावती। अब बात करते हैं दक्षिणी टोंस नदी के बारे में। तो ये जो कि कैमूर की पहाड़ियों में तमसा कुंड नामक एक जलाशय है, रिजर्वायर है, वहां से दक्षिणी टोंस नदी निकलती है और सिरसा के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ये सिरसा के समीप आप जानते होंगे गंगा में इलाहाबाद से
जस्ट 15 से 20 किलोमीटर आप जाएंगे ईस्ट में तो वहां पे ये नदी मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो है 265 किलोमीटर। इसी पर बिहार जल प्रपात प्रपात स्थित है। अगली नदी जो है वो है पेरियार नदी, जो कि पेरियार झील से निकलती है या केरल में प्रवाहित होती है। अब है अगली नदी उमियक नदी, जो कि उमियक झील मेघालय से निकलती है। यह एक बहुत छोटी एक नदी है। हुगली नदी देख लेते हैं, बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न हुगली पर। तो यह जो है गंगा की एक सहायक नदी है, जो कि सहायक शाखा है, जो कि धुलिया के दक्षिण गंगा से अलग होती है। जो धुलिया के पास जो है दक्षिण गंगा से अलग होती है। तो ये जो जाके गिरती है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है जलांगी नदी। यह भारत की सबसे ऊंची ज्वारी ज्वार भित्ति वाली नदी है। इसका नदी मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। अब अगली जो नदी है वो है बैगई नदी। ये कंडम मणिकनूर में मदुरै के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो लंबाई है वो है 288 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं कुमुम, वर्षानाड, सिरिलियार, तेवियार, बराह एवं मंगलार। अब आपको बताते चलें कि ये जो भी जानकारियां हैं वो एनसीईआरटी के भारत एवं भौतिक पर्यावरण से ली गई हैं। अब देख लेते हैं कुछ रोचक तथ्य जो कि जुड़े हुए हैं नदियों से। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है, मैंने आपको बताया था। तो जो गोमुख है किस जिले में स्थित है, वो है उत्तरकाशी में। इसे जो है शुरुआत में क्या कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है। अलकनंदा के उद्गम का जो स्रोत है वो बद्रीनाथ के निकट जो है ऊपर सतोपंथ हिमानी है, जो कि अलकापुरी हिमनद भी कहा जाता है में स्थित है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है। तो अलकनंदा निकलती कहाँ से है, वह सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है और धौली और विष्णु गंगा के मिलन से अलकनंदा का जो है जन्म होता है, जो जोशी मठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अब आपको बताते चलें कि अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी है जिसे कहा जाता है पिंडार नदी। इसे जो है कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में माहसीर नामक मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आती है। तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी या इसे काली गंगा भी कहा जाता है का जो संगम है वो रुद्रप्रयाग में होता है। मतलब अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जो संगम होता है वो है रुद्रप्रयाग। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहां पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां मिलती हैं। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यहां से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। तो सबसे पहले दक्षिण में बहती है, फिर दक्षिण पूर्व बहती है और फिर उसके बाद पूर्व दिशा में गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि मैदानी भागों में गंगा किस स्थान पर पहुंचती है, मतलब वहां से मैदानी भाग शुरू हो जाता है। तो उत्तर है, उत्तर क्या है आपका, हरिद्वार। ठीक है, तो गंगा नदी जो है बंगाल में क्या कहा जाता है, उसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में कही जाती है जमुना के नाम से बहती है और पवाना के पूर्व में गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है। तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी पद्मा हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी जमुना हो जाती है और पद्मा और जमुना मिलती हैं गोलुंडो घाट के पास और आखिरी में इसका नाम हो जाता है पद्मा और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहा जाता है। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर में पहुंचती है तो इसे मेघना जो है इससे आकर मिलती है, तब यहाँ पर इसका नाम जो है क्या हो जाता है, यह मेघना के नाम से बहती हुई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। तो पद्मा आई, पद्मा से जमुना मिली, फिर उसका नाम पद्मा हुआ, फिर पद्मा से आकर के मेघना मिली, तब इसका नाम मेघना हो गया और फिर आखिरकार जाके जो है ये चली जाती है समुद्र में। तो मेघना की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, बराक नदी है। और बराक नदी का जो उद्गम है वो मणिपुर के माउंट जानपो पहाड़ी है। तो आपको बताते चलें कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे कहा जाता है यरलुंग जांगबो नदी, ये जो है चेमा युंगडुंग
हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में स्थित 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहा जाता है, अरुणाचल में इसे दिबांग कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वह दिबांग, कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, भरेली, मानस, धनसिर, रैदक, पगलडिया और कोपिली। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब आपको याद रखना है कि विष्णुप्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है, वो है धौली गंगा और जो है विष्णु गंगा। ठीक है, इसी तरह से कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा एवं पिंडार नदी का जो है संगम होता है। इसी तरह से अलकनंदा एवं मंदाकिनी जो का जो संगम होता है वो होता है रुद्रप्रयाग में, और अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है वो देवप्रयाग होता है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के मिलने के पश्चात इसका नाम जो है गंगा पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? देवप्रयाग में। ठीक है, अब आपको बताते चले कि जो चंबल है, आपको मालूम होगा कि जो है जो चंबल है, तो चंबल राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह चौरा सीहड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसरोड़गढ़ के पास चूलिया जलप्रपात है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपका उत्तर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको अभी बताया हूँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दे तो मैं समझूंगा कि आप जो है रेगुलरली ध्यान से आप वीडियो देख रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पे है। अब अगला जो फैक्ट है नदियों के बारे में वो है सिंधु नदी से रिलेटेड, कि सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर से होकर के बहती है। भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था उसके अनुसार भारत इस नदी के प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल जो है 20% जल ही उपयोग कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो नदी सिंधु नदी से संबंधित जो समझौता हुआ था वो हुआ था 1960 में। अगला जो फैक्ट है वो है कि रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है जो इन दोनों स्थानों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है और जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है कैचमेंट एरिया भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा में विस्तृत है। अब बात करते हैं बराक नदी की। तो बराक नदी जो है मणिपुर के हिल के माउंट जानपो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियों में जो है कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं, उसमें है धलेश्वरी, सिंगला, लोइंग, सोनाई। अब उसके बाद बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इस नदी पर जो है तिहाई मुख बांध स्थित है। तो मैंने आपसे पूछा था कि भाई जो चूलिया जलप्रपात है वो कौन से नदी पर स्थित है, तो आप उत्तर बता दीजिएगा कि भाई कौन सी नदी पर स्थित है। तो आपको बताइएगा। अगला प्रश्न आप जो है नोट करके रखिए, जो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है, कि बांग्लादेश में जो बराक नदी है क्या कहा जाता है उसको, और इस पर कौन सा बांध है। ठीक है, आपको याद रखना है और कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। प्रायद्वीपी नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है उनको याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो महानदी उत्तर में है, फिर उसके दक्षिण में गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगई नदी है। तो महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर उसके बाद जो है कावेरी और वैगई। तो अगला जो फैक्ट है वह कि प्रायद्वीपी नदियों का लंबाई के अनुसार घटनाक्रम। तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी जो 1465 किलोमीटर लंबी है, उसके बाद कृष्णा, फिर उसके बाद नर्मदा, फिर महानदी, फिर कावेरी, फिर ताप्ती। तो गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद महानदी, फिर कावेरी एवं ताप्ती। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा
लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की दो बड़ी नदियां जो हैं कौन कौन सी, गोदावरी एवं कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले से इब्राहिम पट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। यह पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा एवं गुंटूर जिलों में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, आप जानते होंगे कौन कौन सी हैं, मांडवी एवं जुआरी नदियां। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा जो कि भारत की नदियों से जुड़ा हुआ है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख झीलों के बारे में एवं भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। और अब आप क्या करिएगा कि इस वीडियो को और लोगों को शेयर करिएगा, हो सकता है उनको इस वीडियो की जरूरत हो, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नदियों से संबंधित प्रश्न बनते ही बनते हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत नदियों से जुड़े हुए प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अतः आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आप जो है को रोजगार जगत की एवं शिक्षा जगत की रोज खबर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।